नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम वेद से संबंधित ज्ञान के बारे में वर्णन करेंगे, अर्थात एक छोटा समराइज पार्ट आपको बताएंगे कि वेद क्या होते हैं, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वेद कितने प्रकार के हैं, उनका उपवेद कौन सा है, कौन से वेद का कौन सा देवता है, कितने मंत्रों का उपयोग किया गया है, कौन से वेद में किस कांड की बात की गई है, वेद का ज्ञाता कौन सा है, कितने ब्राह्मणों का वर्णन किया गया है, कौन से वेद के अंदर कौन से योग का वर्णन ज़्यादा मिलता है, कितने अध्यायों का वर्णन किया गया है, कितनी सूक्तियों का वर्णन किया गया है, कितनी शाखाओं का वर्णन किया गया है, इसके बारे में आज समराइज डिटेल अपन जानेंगे। दोस्तों, भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति का जो बेस है वो वेदों को माना गया है, और वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद जो होते हैं वो मुख्य रूप से चार भागों में डिवाइडेशन किए गए हैं, जिनके आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों का एक अपना शाब्दिक अर्थ होता है, जिनका होता है ऋग्वेद का मतलब होता है ज्ञान, और यजुर्वेद का मतलब होता है गतिशील आकाश। सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है संगीत का ज्ञान या गान का संगीत। चौथे नंबर पर आता है यजुर्वेद, जिसका मतलब होता है कंपन या अकंपन का ज्ञान। दोस्तों, इसके बाद आते हैं कि कौन से वेद का कौन सा देवता माना गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद का जो देवता है वो अग्निदेव को माना गया है, यजुर्वेद का वायुदेव है, सामवेद का अंगिरा देवता है, और लास्ट में आपका जो देवता है वो आदित्य देवता है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे कि कौन से वेद में कितने मंत्रों का उपयोग किया गया है या कितने मंत्रों का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, ऋग्वेद में जो वर्णन मिलता है उसमें अपन को 10,552 मंत्रों का वर्णन मिलता है। इसमें आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ऋग्वेद का जो ये है, मुझे थोड़ा इसमें डाउट है, क्योंकि इसमें 3 या 4 डाटा मुझे इसमें रिसर्च में मिले हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कौन सा डाटा इसमें करेक्ट है। दूसरा जो नंबर का डाटा मिला, इसमें कोई बताते हैं कि 10,627 है। फिर आपके आते हैं यजुर्वेद में 1,975 मंत्रों का वर्णन मिलता है। वहीं यदि अपन सामवेद की बात करें तो 1,875 का वर्णन मिलता है, और लास्ट में आता है आपका अथर्ववेद, जिसमें आपको मंत्रों की संख्या मिलती है 5,977। तो दोस्तों, ये थी इसके बारे में। अब अपन बात करेंगे कि कौन सा वेद किस कांड से संबंधित बात करता है। तो आपका ऋग्वेद जो बात करता है वो ज्ञान कांड से संबंधित बात करता है, और आपका यजुर्वेद है वो आपका करता है कर्मकांड से संबंधित बात, और वहीं पे यदि हम सामवेद की बात करें तो वो उपासना कांड की बात करता है, और अथर्ववेद की बात करें तो वो आपका विज्ञान कांड की बात करता है। अब इसके बाद अपन जो बात करेंगे उसमें आता है कि कौन से वेद का कौन सा उपवेद है। तो दोस्तों, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आपका अथर्ववेद। दूसरे नंबर पे आता है यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, और लास्ट में आता है आपका अथर्ववेद का आयुर्वेद। तो दोस्तों, इसके बाद अपन का बात करते हैं कि कौन से वेद में कौन से ब्राह्मण की बात करी गई है। तो दोस्तों, ऋग्वेद में जो ब्राह्मण की बात करी है वो ऐत्रीय ब्राह्मण की बात कही गई है, वहीं यजुर्वेद में इसकी जो बात करी गई है वो शतपथ ब्राह्मण की बात करी गई है, तीसरे में तांडव और चौथे में गोपद ब्राह्मण की बात करी गई है। अब यदि अपन में बात करें कि कौन से शास्त्र की बात करी गई है, तो आपका ऋग्वेद से संबंधित अपन बात करें तो उसमें धर्म शास्त्र की ज़्यादा बात करी है। धर्म से संबंधित जैसे आपका पूजा पाठ हो गया, उसमें यज्ञ हो गया, यज्ञ की विधियाँ होगी, यज्ञ के प्रकार हो गए, लाभ हो गए, हानि होगी, सावधानी होगी, इसके बारे में आपको एक समराइज डिटेल आपको इसमें बताई जाती है। फिर यदि अपन बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद की बात करते हैं अर्थशास्त्र पर इसमें बात करी गई है। तो दोस्तों, यजुर्वेद में जो बात करी गई है वो अर्थशास्त्र के ऊपर बात करी गई है। तीसरे नंबर पे आता है सामवेद, जिसमें अपन काम शास्त्र की बात करते हैं। चौथे में आप करें हैं तो मोक्ष शास्त्र की बात करता है। वहीं यदि अपन अब इनकी भाषा शैली के उपयोग देखें कि कौन से वेद के अंतर्गत किस शैली का ज़्यादा उपयोग किया गया, ये नहीं बोल रहा कि एक ही शैली है, नहीं, ज़्यादा जो उपयोग है उस शैली की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में आपको पद्यात्मक भाग ज़्यादा मिलेगा, पद्यात्मक शैली का उपयोग या पद्यात्मक शैली का वर्णन आपको अक्सर ज़्यादा मिलेगा। और फिर इसमें आपको यजुर्वेद से संबंधित
आपको यजुर्वेद में आपको गद्यात्मक शैली भाषा का उपयोग ज्यादा मिलेगा। फिर तीसरे में आपको गीतात्मक, क्योंकि सामवेद जो गीत का है वहीं इसी वजह से इसको गीतात्मक में वर्णन ज्यादा मिलता है। फिर जो अपना आता है लास्ट अथर्ववेद, वो कवितात्मक रूप में आपको ज्यादा मिलता है। फिर आपके आते हैं कि कौन से वेद का कितने अध्यायों का वर्णन मिलता है, तो दोस्तों ऋग्वेद में जो मिलते हैं 10 अध्यायों का वर्णन मिलता है। वहीं अपन यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में 40 अध्यायों का वर्णन मिलता है, सामवेद में केवल 6 का मिलता है और आपका अथर्ववेद में 20 का वर्णन मिलता है। अब जो अपन बात करेंगे कि सबसे पुराना, सबसे आधुनिक, सबसे बड़ा और सबसे छोटा वेद कौन सा है, तो दोस्तों सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो वेद है वो आपका ऋग्वेद है, सबसे आधुनिक वेद है वो आपका अथर्ववेद है और सबसे छोटा जो वेद है वो आपका सामवेद है। अब जो टॉपिक आता है इसके बाद अपन वेदों के अंदर कितनी शाखाओं का वर्णन होता है, कितनी शाखाओं का वर्णन मिलता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ऋग्वेद के अंदर आपको 21 शाखाओं का वर्णन मिलता है, दूसरे में आपको 100 शाखाओं का मिलता है और तीसरे में आपको 1000 शाखाओं का वर्णन मिलता है और लास्ट में जो आपका अथर्ववेद है उसमें 9 शाखाओं का वर्णन मिलता है। तो अब लास्ट में अपन ऋग्वेद से संबंधित यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का एक समराइज टॉपिक में आपको बता रहा हूँ कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर जोर दिया गया है।